हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की कॉमिक शैतान वृक्ष का दूसरा और अंतिम भाग। अगले ही वल वह पेड़ उन विचित्र फलों को पेड़ से उन विचित्र फलों को तोड़कर फोड़ता चला गया। कुछ पलों के बाद ही कनकोरा के हलक से निकले ठहाके जमीन आसमान के कलेजे को थर्राते चले गए। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। विकास नगर के जंगलों में स्थित इस विचित्र अद्भुत तलिस्मा महल में गूंज रहा था भोकाल का गंभीर किंतु दृढ़ स्वर। हमें कनखोरा का पता चाहिए तलिस्मा, बताओ कहाँ मिलेगा वह, हमें बताओ। तलिस्मा के विचित्र व चमत्कारी चित्रपट पर नजर आने लगा वह भयानक स्थान, जिसके जर्रे जर्रे का बहुत बारीकी से मुआयना करने लगे वे चारों। एक पल बाद ही ऐसे उछले चालों मानो उनके बैठने का स्थान गर्म तवे में परिवर्तित हो गया हो। उफ, ये क्या है? ओ नहीं, तिलिस्मा पर दिखने वाला दृश्य कुछ ऐसा था। ये शैतान की टोली सी कैसी निकली उस भयानक स्थान से। उफ, एक से बढ़कर एक भयानक है इस टोली का हर शैतान। अचानक तुरीन के चेहरे पर घिर आए भय के बादल। शैतानों की इस टोली का रुख तो विकास नगर की तरफ है। इन्हें रोकने के साथ साथ हमें उसके स्रोत उस भयानक स्थान को भी देखना होगा जहाँ कनखोरा रहता है। लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण काम हम एक साथ कैसे कर पाएंगे? मैं बताती हूँ इसका हल। जल्दी जल्दी सभी को अपना हल बताती चली गई तुरीन, जिसे सुनकर बोला भोकाल, हाँ यही ठीक रहेगा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। दूसरे ही चढ़ तलवार तिलिस्मा से अदृश्य होते चले गए चारों। विकास नगर की सीमा जहाँ बेहद गर्म था दहशत का बाजार। उफ, शैतानों की इतनी बड़ी टोली से कैसे कैसे निपट पाएंगे हम? मुझे तो यहाँ से भागने में ही भलाई दिख रही है, चीख पड़े सेनापति प्रवीण सिंह। नहीं, भागेगा कोई नहीं, मरते दम तक इन शैतानों से लोहा लेंगे हम। पहुंचे तभी वहां तुरीन और अतिक्रूर। शाबाश सेनापति जी, हम भी आ गए हैं यहाँ। तुरीन, अतिक्रूर, अब इन शैतानों में इतना दम कहाँ की ठहर पाए ये ज्यादा देर हमारे सामने। सेनापति प्रवीण सिंह के साथ टूट पड़े वे सभी सैनिक शैतानों पर और टूट पड़े अतिक्रूर और तुरीन। मेरे बताए हल के अनुसार उधर भोकाल और शूतान उस भयानक स्थान पर पहुंच गए होंगे और अब शायद ऐसी ही किसी मुसीबत से दो चार हो रहे होंगे। भोकाल और शूतान, जिन्होंने उठाया था कनखोरा का रहस्य जानने और उसे खत्म करने का कबीड़ा, इस दुर्गम स्थान पर कनखोरा को ढूंढना इतना आसान ना होगा हमारे लिए। ठीक कह रहे हो शूतान, लेकिन हमने आसान बनाना ही है इस मुश्किल को, ढूंढना ही है हमने इन कनखोरा नामक उस हैवान को। तभी, अरे ये क्या है, ये विचित्र फल ये कैसे फटे फटे हमारे सामने आकर? अचानक चूक पड़ा शूतान। उफ भोकाल, वह देखो भोकाल, क्या हो रहा है? वह विचित्र फल से निकल रहे हैं दो सूक्ष्म प्राणी। सूक्ष्म नहीं, विशाल बोलो भोकाल, अति विशाल। उफ, बेहद अद्भुत और भयानक रूप से खड़े ये वो दोनों भयंकर प्राणी भोकाल और शूतान के सामने। हमारे ही दूसरे ही क्षण उगल दिया दोनों प्राणियों ने अपने हलक से चट्टानों का वह तूफान, दबते चले गए दोनों उन चट्टानों में। भोकाल बोल, भोकाल बोल, वरना ये चट्टाने हमारी समाधियां बना डालेंगी, भोकाल ने पुकारा। भोकाल, हाथ में आ गई उसके प्रलंकारी तलवार और हाहाकारी ढाल। चट्टानों की आंधी से बचने के लिए ढाल आगे कर दी भोकाल ने। शुक्र है बच गए, अब इन्हें नहीं बचने दूंगा, ढाल के सहारे लहराता हुआ आगे बढ़ा भोकाल। लेकिन उफ, इन प्राणियों के हलक से निकलने वाली चट्टानों का वेग इतना अधिक है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। और जब मैं आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा तो उन दुष्टों का नाश कैसे कर पाऊंगा? अजीब दुविधा में फंस गया था भोकाल। इधर अपने सामने आई हर दुविधा को खत्म कर डाला था तुरीन और अतिक्रूर ने। शैतानों की लाशों से पाट दिया धरा के दोनों जाबाजों ने। उधर अचानक भोकाल के मस्तिष्क में धमाके के मानिंद गूंजा वह शब्द, ज्वाला शक्ति पहुंच सकती है उस तक। अपनी तलवार में समय ज्वाला शक्ति का स्मरण किया भोकाल ने, ज्वाला शक्ति। दूसरे ही क्षण भोकाल की तलवार में समाई ज्वाला शक्ति के बारे में जानने के लिए पढ़े भोकाल सीरीज की पूर्व प्रकाशित चित्रकथा ज्वाला शक्ति। अपने सामने आई हर रुकावट को भेद कर प्रलंकारी ज्वाला शक्ति जा टकराई उन दोनों प्राणियों से। पल भर में ही मोम की तरह पिघले नजर आए दोनों प्राणी। वाह भोकाल, कमाल की है तुम्हारी ज्वाला शक्ति, बहुत सही मौके पर काम आई। फिर अपने सामान्य रूप में लौट आया भोकाल, कुछ कहने के स्थान पर आगे बढ़ गया भोकाल। काश किसी की नजर एक क्षण के लिए उठ गई होती एक पहाड़ी की उस चोटी पर, तो उन्हें अपने सिर पर मंडराता खटरा साफ नजर आ जाता।
बहुत बड़ी भूल की थी मैंने, यह सोचकर कि भोकाल और शूतान उस तरीके से काबू को आ जाएंगे। अरे महायोद्धा हैं तो और महायोद्धा कैसे काबू में आते हैं, इसका ज्ञान अब हुआ है मुझे। एक के बाद एक उछाल फेंके कलखोरा ने अपने हाथों में थमे वे विचित्र फल नीचे की तरफ, जो जा फूटे सीधे भोकाल व शूतान के ऊपर। उफ आह उफ, समझ भी न सके दोनों कि जकड़े गए फल से निकले उन विचित्र प्राणियों के शिकंजों में। छटपटाहट के मारे बुरा हाल हो गया, विफल हुआ भोकाल और शूतान का उन विचित्र प्राणियों के शिकंजे से बच निकलने का प्रयास। पल भर में ही अचेत होकर नीचे आ गिरे दोनों। सफलता के उड़न खटोले पर सवार होकर पहुंचा उन तक कन खोरा, भोकाल और शूतान। इन दोनों के मलिंदे की खाद भी अब अद्भुत वृक्षों में डालूंगा मैं। बेहोश भोकाल और शूतान को लेकर लाद कर ले चला कनखोरा अपनी विशेष गुफा की तरफ। कुछ पलों बाद जब भोकाल और शूतान को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अनोखी कैद में और विचित्र स्थिति में पाया। उफ, मेरे मुंह में कपड़ा ठूस कर किसने मुझे इस तरह बांध दिया है कि मैं लाख चाहकर भी अपने कंठ से आवाज नहीं निकाल सकता। उफ, कहाँ है हम, किसने बांधी है मेरी आंखों पर इस बात के टुकड़े लगाकर यह पट्टी। भोकाल और शूतान के हर सवालों के जवाब देने के लिए गूंजी कनखोरा की खनकती आवाज। कनखोरा की कैद में हो तुम दोनों, और जानते हो मैंने तुम्हें इस स्थिति में बंदी क्यों बनाया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम सम्मान सम्राट हो। तुम्हारी आंखें खुली रहें तो पत्थर को भी सम्मोहित कर डालू तुम, इसलिए तुम्हारी आंखों पर इस्पात के टुकड़े लगाकर पट्टी बांधी है मैंने। और भोकाल, तुम्हारे कंठ से निकला भोकाल शब्द तुम्हें अत्यंत शक्तिशाली तो बना ही देता है, साथ ही प्रदान करता है तुम्हें परलंकारी ढाल और तलवार, इसलिए तुम्हारे कंठ में खूब अच्छी तरह से कपड़ा ठूस दिया है मैंने ताकि तुम चू भी ना कर पाओ। उफ, सचमुच इस दुष्ट ने मेरी और शूतान की शक्तियों का शानदार प्रबंध किया है, लेकिन इसने ऐसा क्या क्यों किया। भोकाल की मंशा को तुरंत भांप कर बोला कनखोरा, यह सब मैंने इसलिए किया कि तुम्हारा मलिंदा बनाने से पहले मैं तुम्हें अपने उद्देश्य और शैतानों की उस टोली का रहस्य बताना चाहता हूँ जिसे जानने के लिए तुम दोनों यहाँ आ पहुंचे। कहना शुरू किया कनखोरा ने, वर्षों से विश्व विजेता बनने का अरमान था मेरा, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मुझे सुझाई दिया एक सुरक्षित एवं शानदार उपाय, कठोर तप, जिसे करने के लिए तुरंत ही जुट गया मैं। मैंने प्रसन्न किया शैतान महाराज को, प्रकट हुए वे तो मैंने उनके सामने रख दी अपनी समस्या, जिसे सुनकर पल भर के लिए सोच में डूब गए शैतान महाराज, और फिर बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी करने का अब एक ही उपाय है शैतान वृक्ष। शैतान वृक्ष, वह वृक्ष जिस पर शैतान उगेंगे, ठीक उसी तरह जैसे अन्य वृक्षों पर उगते हैं फल, उन शैतानों के बल पर तुम अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हो। ठीक है महाराज, आप मुझे शैतान वृक्ष दे दीजिए। शैतान महाराज ने विचित्र बीज मेरे हाथ पर रख दिए। ये शैतान वृक्ष के बीज हैं, इन्हें अन्य बीजों की तरह धरा पर उगा लो, जल्दी शैतानों का फल देंगे तुम्हें ये। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद, बल्लियों चल पड़ा मैं शैतान वृक्षों के बीज पाकर। तब बोले शैतान महाराज, इन बीजों से वृक्ष उगाना तो आसान है, लेकिन उनसे फल पाना बेहद कठिन, क्योंकि फल पाने के लिए उन वृक्षों को मनुष्य के मलीदे से बनी खाद देनी होगी। जितनी ज्यादा मनुष्य के शरीर के मलीदे से बनी खाद तुम शैतान वृक्ष को दोगे, उतनी ही जल्दी यह वृक्ष तुम्हें शैतान फल देगा, समझे। जी महाराज, सब समझ गया मैं। इस तरह उन बीजों को लाकर यहीं बो दिया मैंने, जो जल्दी ही शैतान वृक्ष के रूप में उगाए। फिर उनके शैतान फल पाने के लिए मैंने उनमें डालना शुरू कर दिया मनुष्य के शरीर से बना मनिंदा। और तब जब शैतान वृक्ष लत गए शैतान फलों से, और वे शैतान फल पकने की ओर तेजी से अग्रसर हो गए, तो तुम बीच में आ गए। तुमने समाप्त कर डाला मेरे उन तीनों सेवकों को, जो विभिन्न राज्यों से मनुष्यों को मलिदा बनाने के लिए यहाँ पकड़ कर लाते थे। तुम मेरे रास्ते की अड़चन बने हो भोकाल, तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के शरीरों का मलिदा बनाकर उसे शैतान वृक्षों की जड़ों में डालूंगा मैं। अब बनेगा तुम्हारा मलिदा। अगले ही क्षण ये क्या हो रहा है भोकाल, हम कहाँ जा रहे हैं, बोलो भोकाल बोलो। बोलने की स्थिति में होता भोकाल तो ही कुछ बोल पाता। आश्चर्य की अधिकता से फटी हुई थी उसकी आंखें, साक्षात मौत की तरफ जो पड़ रहे थे वह और शूतान। वहशी सा हो गया था कनखोरा। हा, 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 इस मलिदा चक्की ने अब तक हजारों मनुष्यों का मलिदा बनाया है, आज ये तुम्हें मलिदे के रूप में बदलेगी। हा, 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 हा। धीरे धीरे मौत के पास और पास पहुंचते जा रहे थे भोकाल और शूतान, लेकिन उस मौत को पलवर में ही दूर, बहुत दूर कर दिया दो शक्तिशाली हाथों ने, जिनका स्वामी और कोई नहीं वह था जिसके प्यारे उसे अतीक और शत्रु उसे अतिक्रूर के नाम से जानते थे। इतने कठोर नहीं है अभी मौत के जबड़े के अतिक्रूर के मित्रों को चबा जाए। अतिक्रूर और कनखोरा पर यह वार करने वाली थी
वो जिसे सिर्फ तूरीन के नाम से जाना जाता है, और तेरी भुजाओं में नहीं इतना साहस कि तू छीन ले उसके उनके प्राण जिन्हें तू इन प्राणों से ज्यादा चाहती है। कनकोरा ने पलट कर कर दिया तुरीन पर वार। अभी जल बिल मछली की भांति जमीन पर तड़पता नजर आएगा तेरा नाजुक बदन। उधर अतिगुरु ने भोगाल और शूतान को मुक्त करने के लिए प्रयोग किया वह तरीका। जमीन पर गिरने के साथ ही उछलकर उठ खड़े हुए भोगाल और शूतान ने अपनी अपनी शक्तियों को बंधनों से आजाद किया। भोगाल! फिर झपटे तीनों शुरू हुई कनखोरा पर। कनखोरा आ गया अंत समय पर, अंत समय तेरा। ऐसे भयानक अंत के बारे में तो कल्पना भी नहीं की होगी कनखोरा ने। लेकिन अभी काम खत्म कहाँ हुआ था उन पराक्रमियों का। कनखोरा के बाद अब खत्म होने चाहिए उनके द्वारा उगाए गए शैतान वृक्ष। आओ उनका भी कल्याण करें। ठीक एक पल बाद धू धू करके जल रहा था उस भयानक स्थान पर उगा हर वह वृक्ष जिसे शैतान वृक्ष होने का गौरव प्राप्त था, और उस काम को अंजाम देने वाले चल पड़े थे उस नई मंजिल की तरफ जिसका अंत न जाने कहाँ होना था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल की अगली कॉमिक्स भोकाल का भूकंप में। तब तक के लिए धन्यवाद।